फिर से हाजिर हूँ आपके साथ कितने वर्ग हाय मनीष के एयर में, यानी कितने वर्ग विषय गणित कक्षा 5 में पुनः पार्ट 3 के लिए। आपने यानी कितने वर्ग के हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 देखा, अब लीजिए थर्ड पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आ जाइए, बड़े तल्लीनता से आप ध्यान से देखना है। तो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कक्षा 5 का। तो अब देखिए, आपने अभी यहाँ तक हमारा क्लियर देख लिया है, ये भी आप समझ चुके हैं पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 हम यहाँ से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें मुझ में कितने वर्ग, तो देखिए ये आपका एक वर्ग है, इसमें एक ट्रायंगल डाला हुआ है, इसमें इस ट्रायंगल में ये बताना है कितने वर्ग हैं। तो विस्तृत रूप से आप भली बात से आप बता देंगे, क्योंकि ये पूरे वर्ग 2 हैं और ये आधे में ट्रायंगल है, तो इसका क्षेत्रफल यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 हैं यहाँ, तो 4 में और 4 ही इधर है, तो यानी 8 वर्ग का हमारा आयत है। तो इसमें हमारी ये जो आकृति है, ये आकृति समादि है, इसलिए इसमें निश्चित हो गया है कि 8 में से आधा करेंगे तो 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए कुछ आकृतियां और नीचे हैं, ये हमारा राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये हमारा एक आयत है और ये हमारी एक विभिन्न आकृति है, ऐसे विभिन्न आकृतियां हैं। तो इसके हमें इसी तरीके से ये ज्ञात करना है कि किस में कितना हमारा क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम कैसे समझेंगे, ये ध्यान देना है हमको। तो देखिए मित्रों, इसमें हमें देखना है ये जो ट्रायंगल है, तो ये कितने में भरा हुआ है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इधर 3 है, इधर 4 है, तो 4 × 3 = 12, 12 का आधा करेंगे क्योंकि राइट एंगल है, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। इसी प्रकार यहाँ देखिए पूरे कितने घिर रहा है, इधर आधा घेरे, इधर आधा, तो 1, 2 आधा आधा 1 हो गया, 3 हो गए, ऐसे इधर को 3 है, तो 3 × 9 यानी 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार अगर इसमें देखें तो ये कितने में आयत बनेगा, तो इसमें देखिए 1, 2, 3। अब यहाँ देखना ये है कि जितना हमारा यहाँ खाली है उतना यहाँ भरा हुआ है, और जितना यहाँ इतना आकृति से बाहर है उतना ही हमारा यहाँ आकृति में घिरा हुआ है। इसलिए एक साइड का छोड़ देंगे, चाहे इधर का बाकी गिन लेंगे, तो हम इधर का ही छोड़ देते हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसका 4 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। इसी प्रकार इसे आकृति में देखेंगे, इस आकृति में यहाँ से यहाँ तक है और इसमें राइटिंग लाइन पड़ी हुई है, तो आधा इधर छोड़ देंगे, आधी आकृति इस वर्ग का छूटा हुआ है, तो यहाँ आधा घिरा हुआ है, इसलिए एक साइड छोड़ देंगे और पूरा गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर का छोड़ दिया, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। इसी प्रकार यहाँ हमारा देखेंगे सेम वही पोजीशन इधर है, क्योंकि इधर भी हमारा एक, या ऐसे भी आप गिन सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ हम इतने का राइट एंगल बना लें अलग, इतने का बना लिया, और यहाँ भी हमारा एक हम इतने का वर्ग बना लें। अब देखिए, अब सेम यहाँ कितने वर्ग बच रहा है, 1, 2, 3, 4, यानी 4 × 8 वर्ग ये हो गए टोटल, क्योंकि 1, 2, 3, 4 है पूरे और नीचे को 3 है, तो 4 × 3 = 12 इधर हो गए, 12 इसके हो गए आयत के। अब इधर देखिए दो ट्रायंगल है, पूरे आयत को देखेंगे, 1, 2, 3, 3 और 3 इधर को है, तो 9 है इसका, इसका 9 हुआ, इसका 9 होगा, तो आधा अगर इसका करेंगे तो इसका होगा 4.5। ऐसे ही यहाँ सम स्थिति इधर है, ये भी 4.5 होगा, तो 4.5 ये होगा, 4.5 हमारा ये 9 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमारे ये कितने थे, 1, 2, 3, 4 यानी 4 × 3 = 12,
12-9 21 वर्ग सेंटीमीटर ऐसे भी निकाला जा सकता है। अब देखिए मित्रों, आगे की जो आकृति है सेम वही स्थिति है, यहां से अगर हम इसका वो निकालना चाहेंगे तो यहां भी अपन वर्ग डाल सकते हैं इसमें, यानी आयत बना सकते हैं, वर्ग आयत जो भी बनेगा। और उसी प्रकार से कितना खाली है तो यहां अपन देख लेंगे, 1 2 3 4 वर्ग पूरे हैं और कोई भी 4 और गिन लेंगे एक साइड के, क्योंकि आधा आधा घेर रहा है, तो यानी 4 और 4 8 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। तो इस तरह से अपन इसके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कितने वर्ग घेर रहे हैं ये समझ सकते हैं। अब देखिए मित्रों, आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत हैं, दो ट्रायंगल हैं, अलग अलग आयतों में हैं, आयत ए आयत बी। अब आयत ए की बात करेंगे तो देखिए आयत ए में हमारे कितने, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, यानी 20 वर्ग बने हुए हैं। उस पर हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी आकृति देखिए सेम ऐसी है, जबकि इसमें हमारा राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ देखिए, इसके लिए निकालने के लिए हमें जहाँ भी मिलान हो रहा है वहाँ से हम सीधे दो, देखिए दो कलर्स में अलग अलग आयत हमने डिवाइड कर दिए, ये पीला और ये हमारा नीला। तो नीले कलर में पहले हम देखेंगे, यहाँ से अपन ट्राइंगल मान सकते हैं, तो इसका यानी कितने वर्ग गिर रहा है, तो 1 2 3 और इधर को तो 12 सेंटीमीटर है पूरे आयत का क्षेत्रफल। 12 सेंटीमीटर में जो हमारी सीधा ट्राइंगल है, इसलिए ये 6 सेंटीमीटर इसमें घिर रहा है नीले वाले में। अब पीले वाले में इसी तरीके से आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो सेम आधा घिर रहा है, तो इसमें 4 घिर रहा है टोटल, यानी 8 है तो 4 और 6 इधर, तो इसका टोटल हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे। और यहाँ अपन देखेंगे इसी प्रकार से, तो यहाँ देखिए कितने, 1 2 3 4 5 और 4 20 है, यहाँ सीधा एक ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ दिक्कत निकालने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर हुआ। तो ये आपको उदाहरण क्लियर हो गए होंगे, इसके आधार पे हम आगे आएंगे। तो आगे देखिए, समझिए बड़े विस्तार से, आपको समझना है ध्यान से। अब आगे क्या होगा इसमें, आपको बड़ी गौर से ध्यान देना है। देखिए आगे हम पृष्ठ क्रमांक 41 पर आ जाइए, 41 पर त्रिभुज सेम जो मैंने अभी आपको उदाहरण में आए दिखाए, त्रिभुज और ट्राइंगल दिखाए थे, ऐसे यहां देखिए एक ही उसमें दो बने हुए हैं। तो जो पहला वाला मैंने दिखाया था वो ये था और दूसरा वाला ये था। अब इसमें यानी पूछ क्या है, इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, आप देख चुके हैं दोनों का बराबर था, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते, हाँ दोनों अलग दिख रहे थे, लेकिन अगर उनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बराबर है। नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है, बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हुआ, लेकिन लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लाल का भी कितना होगा, लाल का भी 10 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वो सेम ही उनका क्षेत्रफल था, इसलिए लाल का भी 10 होगा। और इसमें तो अलग अलग आयते हैं, दो आते हैं, क्लियर वही दिख रहा है जो ये वाला मैंने अभी दिखाया था आपको, ये वाला ही आयतियां है। अब तुम सादिक द्वारा बनाए गए दो आयतों का क्षेत्रफल पता करो, लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है समझाओ, जो मैं पिछले उदाहरणों में आपको समझा चुका हूं। तो लीजिए मित्रों, ये आपने समझा दो डिफरेंट आकृतियों में कैसे हम क्षेत्रफल का पता लगाएंगे। तो अब आगे के लिए मेरे अगले पार्ट 4 में आप मेरा वीडियो देखें तो अगला भाग क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्र।